गाइस कैसे हैं आप सब लोग. आई होप यू गाइस आर गुड. आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा. सॉरी फॉर ए लॉन्ग डिले. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज पैडागोजी दैट इज रिलेटेड टू हिंदी लैंग्वेज पैडागोजी एज वेल एज यू कैन कंसिडर दिस लेसन ऑन SST पैडागोजी. तो SST पैडागोजी में भी काम आएगा, हिंदी पैडागोजी में भी. हमेशा एक क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा हर्बर्ट की पाठ योजना. तो हर्बर्ट की पाठ योजना भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो लेसन है पाठ योजना, यू कैन से इन लेसन प्लान इन इंग्लिश. अब देखिए पाठ योजना बेसिकली होती क्या है, व्हाट द मीन ऑफ दिस वर्ड. पाठ योजना का मतलब क्या होता है. अब देखो आप सपोज यू आर ए टीचर, आपको एक लेसन को पढ़ाना और आप क्लास में चले जाते हैं. आपने उस लेसन को प्लान ही नहीं किया कि पहले इस लेसन में क्या होता है क्या नहीं होता. तो आप क्लास में जाके आपको क्या माइंड में रहेगा, क्या इस पाठ का थीम है, क्या इसके उद्देश्य है, क्या से इस पाठ में था. तो कहने का मतलब हम उस पाठ को अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते, इसलिए पाठ योजना का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो हम लाइन टू लाइन रीड नहीं करेंगे, सिर्फ टेट एग्जाम्स ओरिएंटेड पॉइंट्स को हम करेंगे. तो बेसिकली क्या होता है, पाठ योजना सही मायने में जो लेसन है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है, प्रभावशाली बनाती है. ठीक है, कैसे कैसे पाठों को हम प्रस्तुत करेंगे, कैसे एक टीचर प्रेजेंट करेगा, कैसे आप कोरिलेट करोगे दूसरी चीज़ों से, कैसे कौन कौन से इस पाठ में महत्वपूर्ण बिंदु हैं. तो इन सब बातों को बताने के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं वो लेसन प्लान कहलाती है, पाठ योजना जो है कहलाती है. हिंदी शिक्षक को अपने पाठ के उद्देश्यों का ज्ञान जरूर होना चाहिए ताकि वह विद्यार्थियों की क्रियाओं का मूल्यांकन कर सके. क्योंकि देखो आपको पता ही नहीं आप इस लेसन में क्या करवाएंगे, तो हाउ कैन यू इवेलुएट द स्टूडेंट्स. तो हमेशा पाठ योजना आपको बना के जो है रखनी चाहिए. पाठ योजना के बारे में कुछ डेफिनेशंस जो है दी गई हैं. LB स्टैंड ने एक डेफिनेशन दी है कि पाठ योजना शिक्षक द्वारा कक्षा में की जाने वाली क्रियाओं की क्रमबद्ध योजना है. मतलब कोई भी शिक्षक है कक्षा में जो भी एक्ट करता है उनकी जो सिक्वेंस में जो योजना बनाई जाती है वो पाठ योजना जो है कहलाती है. ठीक है, इसके अलावा पाठ योजना की हम एक और पॉइंट को लिखें तो दैनिक रूप से जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी लेसन्स होते हैं, मतलब मेन आप ये कह सकते हो कि पाठ योजना क्या हुई, जो चीज़ों को सिक्वेंस क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट रूप से जो चीज़ों को परिभाषित करती है वो क्या कहलाती है, इस पाठ योजना कहलाती है. अब यहाँ से क्वेश्चन है जो सीटेट में एक बार आया था कि जो पाठ योजना है उसको कितनी स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तो ध्यान रखना, पाठ योजना को तीन स्टेजेस में, ठीक है, तीन अवस्थाओं में डिवाइडेड किया गया है. शिक्षण से पूर्व, मतलब आप लेसन पढ़ाने से पहले, शिक्षण की अवस्था मतलब ड्यूरिंग यूअर टीचिंग, और शिक्षण के बाद मतलब आफ्टर यूअर टीचिंग. तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला याद रखना, पाठ योजना को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, तीन अवस्थाओं में, शिक्षण से पूर्व, शिक्षण की अवस्था और शिक्षण के बाद की अवस्था. तो ये क्वेश्चन ऐसे डाला गया था, एक बार कुछ और लिख रखा था कि शिक्षण के एग्जाम के बाद की अवस्था, मतलब ऐसे ऑप्शन. तो ये तीन अवस्थाएं हैं. अब क्वेश्चन आता है कि इन तीन अवस्थाओं में से पाठ योजना को हम कब क्रिएट करते हैं, तो उसको टीचिंग से पहले क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखना लेसन प्लान को हमेशा टीचिंग से पहले क्रिएट किया जाता है, क्योंकि पहले क्रिएट करोगे तभी तो आप क्लास में लेके जाओगे ना अपने लेसन प्लान को. तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार किसी एग्जाम में, यूपी के शायद एग्जाम में, कि लेसन प्लान कब क्रिएट किया जाता है. तो ऑप्शन सेम गिवन थे कि पाठ के बाद, पाठ के दौरान, ऐसे. तो लेसन से पहले जो है क्रिएट किया जाता है लेसन प्लान. अब एक अच्छी पाठ योजना हम बनाते हैं तो उसकी क्या फीचर्स होते हैं, मतलब यू कैन से उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए. यहाँ से भी हमेशा PRT लेवल पे देखें तो क्वेश्चन आ जाते हैं. कुछ बच्चे पूछते हैं मैम ये किस लेवल के लिए हैं, तो मैं बता देती हूँ कि लेसन्स दोनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है. वो डिपेंड करता है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड. PRT में थोड़ा ईजी आ जाता है, TGT में थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाता है. तो उत्तम पाठ योजना में क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपकी लेसन प्लान रिटर्न होनी चाहिए, डेफिनेटली लिखित होनी चाहिए. कई बार टीचर को लगता है यार ओरली मैंने देख लिया, लेकिन फिर भी यदि एक्सपीरियंस टीचर नहीं है तो उस चीज़ को भूल सकता है. तो पाठ योजना लेसन प्लान मस्ट बी रिटर्न, ये रिटर्न होना चाहिए. सेकेंड है, पाठ योजना में सामान्य और विशेष उद्देश्यों को लिखा होना चाहिए. कहने का मतलब इस जो भी लेसन हम पढ़ाते हैं, सपोज हम किसी भी टॉपिक को लेते हैं, तो व्हाट द जनरल एस्पेक्ट्स, क्या इसके जनरल पर्पज हैं और क्या इस लेसन में स्पेसिफिक पॉइंट है, इन सबको डिस्क्राइब करा होना चाहिए पार्ट के अंदर. ये नहीं हमने कोई पोएट्री पढ़ाई, लेसन पढ़ाई तो यूं ही पढ़ा दिया, उसके पीछे का पर्पज भी जरूर डिस्क्राइब करना चाहिए. इसमें पाठ्य वस्तु और अन्य क्रियाओं के चयन में, मतलब जो भी आपका इंडेक्स है, जो भी एक्टिविटीज आपको लेसन के दौरान करवानी है, उन सबका पता होना चाहिए. पाठ योजना टीचिंग मेथड्स पर डिपेंड होने चाहिए, मीन्स अच्छे अच्छे टीचिंग मेथड्स जो है बच्चा यूज़ करे, मतलब टीचर सॉरी यूज़ करे, तो उन टीचिंग मेथड्स को भी डिपेंड होना चाहिए. मान लो हमें ज्योग्राफी का लेसन करवाना है तो मेरी लेसन प्लान ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर मैं मैप ग्लोब इन सबको बीच में डिस्क्राइब कर सकूँ.
पाठ योजना में प्रसंग और पाठ्यक्रम सब शामिल होना चाहिए, आपका इंडेक्स, आपको क्या एक्सप्लेनेशन देनी है, ये सब डिस्क्राइब होना चाहिए। पाठ योजना हमेशा प्री लेसन से रिलेटेड होनी चाहिए। आपको पता है कोई भी नया लेसन आप पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसमें प्री लेसन का जरूर डिस्कशन होना चाहिए, या सिंपल कहते हैं ना हम नया पार्ट पढ़ाने से पहले पहले वाले के क्वेश्चन सुन लो, कहीं से कोरिलेट कर दो, तो ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए। बालक को कुछ ऐसी लेसन प्लान हो जिसमें अच्छे एक्ट कर सके बालक, मतलब लास्ट में उसमें मूल पर्शन जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इन्वॉल्व होने चाहिए, बे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इन्वॉल्व होने चाहिए। पाठ योजना में विषय, समय, कक्षा सब कुछ औसत होने चाहिए, मतलब ये नहीं होती है कि आपका जो लेक्चर है वो 40 मिनट्स का है और आपने लेसन प्लान जो आपका बना रखा वो 55 मिनट में जाके खत्म होएगा या वो 25 मिनट में जाके खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जितना लेक्चर है उसमें थोड़ा रिफ्रेशमेंट का टाइम रखे, क्वेश्चनिंग का टाइम रखे, तो उसी के अकॉर्डिंग पाठ योजना बनाएं। महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स कोरिलेट करें, मतलब कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम्पल्स दोगे बच्चों को तो वो बेटर उस लेसन को समझ पाएगा, ठीक है। और कुछ भी मतलब एक्टिविटीज़ जो इंस्पायर करती हैं बच्चों को, जो प्रेरणा देती हैं, उन एक्टिविटीज़ को भी जो है कंक्लूड किया जाना चाहिए एक अच्छी जो है पाठ योजना के अंदर, यदि हम बात करें। अब क्वेश्चन आता है कि हमें पाठ योजना की नीड क्यों हुई, मतलब पाठ योजना बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी भाई, पाठ योजना ना बनाए तो क्या काम नहीं चल सकता, तो लेसन प्लान क्यों हमने क्रिएट किया, मतलब क्यों उसकी नीड हुई, ठीक है। तो सबसे पहला है अब टी लेसन प्लान की नीड क्यों हुई, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। शिक्षण क्रियाओं की जानकारी, आपको टीचिंग की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो शिक्षण क्रियाएं होती है उनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तो पाठ योजना उस पाठ को पूरा करती है। एक टीचर लेसन प्लान बना रहा तो ही एंड शी रियली कम्स टू नो कि हाउ टू डिलीवर द लेसन, तो उसको जो सभी क्रियाएं हैं, सभी एक्टिविटीज हैं, वो सब हमेशा पता होगी, वो कौन सा टीचिंग एड क्लास में लेके जाएगा, कौन सा नहीं लेके जाएगा, मतलब ये सब डिस्क्राइब होगा, तो इसलिए उसको टीचिंग एक्टिविटीज की जानकारी होगी यदि वो लेसन प्लान क्रिएट करते हैं तो। नेक्स्ट है शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्टता, यदि उसने लेसन प्लान को बनाया है तो उसको पता होगा व्हाट द पर्पज ऑफ आफ्टर दिस लेसन, मतलब आपने लेसन को पढ़ा के चले जाना क्लास से, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को बताओ भाई ये लेसन इन्वॉल्व किया गया तो क्यों इन्वॉल्व किया गया है, तो यदि लेसन प्लान नहीं क्रिएट करेंगे तो हम इन चीज़ों को नहीं अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, हम इधर उधर की बातें करते रहेंगे क्योंकि हमें अपना मकसद तो पता नहीं होगा, तो टीचर क्लास में जो टाइम पास करते हैं लेसन प्लान नहीं बना के लाते, तो लाइक ये सब चीज़ें हैं। विषय का संगठन, मतलब आप कोई भी आपका विषय है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसको बहुत अच्छे से जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इवेल्युएशन कर सकते हैं, मतलब आप एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना के चलेंगे कि मुझे लेसन को ऐसे पढ़ाना है, ऐसे उसको मूल्यांकन करना है। उद्देश्यों को परिभाषित करना, आपको उसके रियल जो मकसद हैं, जो आप लेसन को पढ़ाते हो उसके रियल उद्देश्य आपको पता चल जाएंगे। व्यवस्थित ज्ञान होगा, अब टीचर देखो लेसन प्लान बना के गया तो उसको पता होगा लेसन में कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा, तो वो क्रमबद्ध मतलब सिक्वेंस रूप से उसको सिस्टमैटिक रूप से एनालाइज कर लेता है। समस्याओं का ज्ञान, किसी भी लेसन में देखो कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम बच्चों को ना समझा पाएं, लेकिन हमने यदि लेसन प्लान को बनाया हुआ है तो हम इजीली उन प्रॉब्लम्स को सोच विचार कर लेते हैं, तो ये अच्छा दृष्टिकोण होता है। मेंटल एबिलिटी, शक्तियों का विकास होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का उपयोग, क्योंकि देखो क्लास में क्या होता है, एक बच्चा स्लो लर्नर है, एक ऐसा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बच्चे होते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम लेसन प्लान बनाते हैं, मतलब उसमें इजी पॉइंट्स भी लेके आएंगे, टफ भी लेके आएंगे, तो इसीलिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। पुनर्बलन, हम री इन्फोर्स कर देते हैं तो फायदा होता है। री इन्फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब हम बच्चे को हमने लेसन को पढ़ा दिया उसको हम दोबारा से रिवाइज करवाते हैं, मतलब सीखी गई प्रक्रिया को फिर से रिवाइज करवाना री इन्फोर्स कहलाता है। ये साइकोलॉजी में बहुत बार करवा चुकी मैं लर्निंग के चैप्टर में, तो री इन्फोर्स में भी पाठ योजना जो है महत्वपूर्ण होती है। पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान, क्योंकि आप प्री नॉलेज के आधार पे नया नॉलेज सीखते हैं तो बेटर होती है। अनुशासनहीनता पर नियंत्रण, देखो आपने लेसन प्लान नहीं बनाया टीचर ने तो वो 20 मिनट में कभी कई बार लेसन पढ़ा दे, 40 मिनट्स का लेक्चर हो, वो बोर फील करता है, टाइम पास करते हैं, तो ये सब चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं क्लास में। शिक्षण जो है रुचिकर बन जाता है, मतलब टीचिंग अपना इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि हम पहले से ही तैयार करके जाते हैं, पहले से ही टीचिंग एड्स को लेके जाते हैं, तो शिक्षण जो है रुचिकर बन जाता है। लेसन्स कॉन्टिन्यू रहते हैं और एक अच्छी सी रूपरेखा आप कह सकते हो कि एक अच्छा सा आधुनिक जो अपना मटेरियल आधुनिक जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मोरलिटी साइकोलॉजी हर चीज़ पर बल दिया जाता है, तो एक अच्छी पाठ योजना में हम ये सब कुछ कर सकते हैं। अब पाठ योजना को कैसे तैयार करेंगे, यहाँ से बहुत बार सीटेट में क्वेश्चन आता, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑल्सो ऑफ दिस पिक। अब देखिए पाठ योजना की हम रूपरेखा कैसे बनाएंगे, मतलब हम कैसे उसको फॉर्मेट करेंगे, कैसे उसको क्रिएट करेंगे,
तो सबसे पहले उद्देश्य, अब आप किसी भी लेसन की लेसन प्लान बना रहे हो तो सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए, मतलब आपको पर्पज होना चाहिए कि आप इस लेसन में क्या पढ़ाना चाहते हैं, कैसे बच्चों को व्यवहार में, कैसे बच्चे की सोसाइटी में, कैसे लेसन हेल्प करेगा, क्या इसमें खास है। तो फर्स्ट थिंग होती है उद्देश्य, ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या है, उद्देश्य। सेकंड पाठ्य वस्तु, मतलब आपको इंडेक्स, आपको क्या पढ़ाना है, स्टूडेंट के क्या इंटरेस्ट हैं, उनकी जो डेली की क्या सिचुएशंस है उनके भी आप पर उस लेसन को करें। थर्ड होता है विधि, मतलब आप किन विधियों से पढ़ाएंगे, कौन सी पाठ के अनुरूप है, कौन सी लेसन को अफेक्टिव बना सकती हैं, कौन सी कम अफेक्टिव होती हैं, मतलब पोइट्री है तो पोइट्री में लय होनी चाहिए, ड्रामा है तो उसमें प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, नावल है तो कहानी फॉर्म में पढ़ाएं, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। फिर इवेल्युएशन, लास्ट में आपको पता है कुछ भी पढ़ाते हैं तो मूल्यांकन बहुत जरूरी है कि बच्चों ने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा, तो आपको ये याद रखना है पाठ योजना की रूपरेखा में क्या स्टेप होते हैं, सबसे पहले उद्देश्य है, पाठ्य वस्तु, विधि, मूल्यांकन। तो वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से पाठ योजना के स्टेप नहीं होते, तो आपको ध्यान रखना है। अब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर्बर्ट की पाठ योजना, जो बहुत बार सीटेट एस्टेट में पूछी जाती है, हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना बहुत बार आपने सुना होगा। हर्बर्ट इज अ नेम ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट, अपना एक अकेडमिक जो है पर्सन है, हर साइकलो मतलब पेडागोजिकल इश्यूज पे बहुत इसने ध्यान दिया है। तो हर्बर्ट ने जो बच्चे की रुचि, बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे के एटीट्यूड, उनके आधार पे हर्बर्ट ने पाठ योजना तैयार की है जिसमें 5 चरण होते हैं। ये 5 चरण बच्चे बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हर्बर्ट की ये लास्ट सेक्शन है। तो हर्बर्ट की पाठ योजना में सबसे पहले क्या होती है, प्रस्तावना। आपको ये 5 याद रखने, बहुत बार इनको आगे पीछे कर देगा, सिक्वेंस अरेंज करवा लेगा कौन सा हर्बर्ट ने नहीं दिया, या एक पॉइंट देके एक्सप्लेन पूछ लेगा कि हर्बर्ट ने कौन सा दिया। तो सबसे पहले है प्रस्तावना। प्रस्तावना मींस जो हम कहते हैं ना हिंदी में, यदि मैक्सिमम बात करें तो हर्बर्ट की पाठ योजना पे बहुत ध्यान दिया जाता है। ये पुरानी ही पाठ योजना है जिसमें टीचर लेक्चर देता था, मतलब स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट थोड़ा कम ध्यान रखे गए हैं इसमें। सबसे पहले क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर क्या होता है, पूर्व ज्ञान को हम जोड़ते हैं, पुराने पाठ्य पुस्तक को हेल्प करते हैं, और मतलब कुछ नया जानने की बच्चों में इच्छा क्रिएट करते हैं, मतलब इंडेक्स जो है बनाते हैं। सेकंड थिंग होता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। इसमें विद्यार्थियों को छोटे छोटे भागों में तोड़कर, उसको टीचिंग एड्स की हेल्प लेके, कुछ क्वेश्चन आंसर पूछकर, ऐसे करके जो है प्रेजेंट करते हैं। फिर जोड़ते हैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट आते हैं उनकी धारणाओं को एक दैनिक जीवन से दूसरे से जोड़ देते हैं। फिर जनरलाइज करते हैं, मतलब कहते हैं ना विद्यार्थी कैसे उसको महसूस करेंगे, कैसे इस पाठ का उपयोग करेंगे, फिर ये सब हर्बर्ट कहता है। फिर हर्बर्ट कहता है लास्ट में क्या होता है, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब हम उसको रीइन्फोर्स करेंगे, उसके रिजल्ट्स को हम कैसे जो है प्रयोग करेंगे। तो मींस बेसिकली आपको याद रखना हर्बर्ट की पंचपदीय बहुत बार पूछा था कौन से स्टेप हैं कौन से स्टेप नहीं है। अब पाठ योजना बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का एटीट्यूड, ये सिंपल से हैं, आप समझ जाओगे ऑप्शंस को देख के। तो गाइस पाठ योजना से रिलेटेड ऑलवेज एक क्वेश्चन आ जाता है, तो बेसिकली ध्यान रखना, जनरल आपको पता होना चाहिए पाठ योजना क्या थी। सो आई होप यू लाइक दिस पेडागोजिकल टॉपिक, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हिंदी SST एंड एज वेल एज यू कैन गो विद द EVS आल्सो। सो इफ यू लाइक दिस लेसन डोंट फॉरगेट टू लाइक, प्रेस लाइक बटन, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। प्रेस बेल आइकन जरूर प्रेस करें लाइक दैट, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और टीचिंग जो है कोचिंग अवेलेबल फॉर सीटेट एसटेट एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स, एंड नोट्स पैकेज आल्सो अवेलेबल। इफ़ यू वांट टू टेक नोट्स देन यू कैन कॉल मी, ठीक है। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, थैंक यू।